वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप किस तरह एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं और आपकी ज़िंदगी भी बगैर किसी बीमारियों के कैसे प्रोलॉन्ग हो सकती है। तो इसका मैंने हेडिंग का नाम रखा है लिव लॉन्गर ईट लेस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जितने भी मज़ाहब देख लें तो हर मज़हब में फास्टिंग को बहुत इम्पॉर्टेंस दी गई है। और आपको पता होगा कि इस्लाम में पूरा एक महीना आपने फास्टिंग रखनी है और उसके बाद इसी तरह आप दूसरे जितने मज़ाहब हैं, क्रिश्चियन हैं, ज्यूज हैं, हिंदू हैं, सब में जो है ना इसकी इम्पॉर्टेंस दी गई है। तो उसके बाद फिर बाद में ना एक रिसर्च की गई थी एनिमल्स के ऊपर। उन्होंने देखा कि अगर एनिमल्स को अगर लो कैलोरी डाइट दी जाए तो उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे उस एनिमल के ऊपर। उनको ये पता चला कि उनमें ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल है या लो ब्लड प्रेशर है और उनका HDL इंक्रीज हो जाता है और उनका ट्राइग्लिसराइड डिक्रीज़ हो जाता है। और हम ये जानते हैं कि HDL जब इंक्रीज हो जाए तो इट इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल, और ट्राइग्लिसराइड अगर कम हो तो ये आपको हार्ट डिजीज़ से बचाता है। अब मैं आपको आता हूँ कि किस तरह आप अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहला असूल तो मैं ये बताऊँगा कि जब भी आप किसी दावत में जाएं तो पहली दफ़ा जो भी आपको दिल करता है प्लेट में डालें और उसके बाद उसको रीफिल बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आप रीफिल करते हैं तो फिर आपको कुछ पता नहीं चलता कि मैंने कितना खा लिया। उसके बाद मैंने दिया एक फार्मूला कि किस तरह आप जाके किसी भी दावत के अंदर अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये मैंने दिखाई कि 9 इंच की अगर डिनर प्लेट हो तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसकी आधी प्लेट को तो हम वेजिटेबल सैलड और उन चीज़ों से भर लेते हैं। तो उनके अंदर जो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल हैं जैसे ग्रीन बीन्स हैं, ब्रसल्स स्प्राउट, कैबेज, ब्रोकली, जकोनी, सैलड, तो इससे भर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जो इसका 1/4 पोर्शन है उसको उसके अंदर हम प्रोटीन डाल लेते हैं उस प्लेट के अंदर। उसमें चिकन, फिश, चीज़, एग्स, नट्स एंड सीड्स आ जाते हैं। बाकी जो हम बचता है तो उसको 1/4 प्लेट को उसको हम भरते हैं स्टार्च या ग्रेन्स के साथ। तो उसमें आ जाते हैं राइस, पास्ता, पोटैटो, पीस, कॉर्न, बीनट्स, बीन्स एंड ब्रेड। तो ये मैं इस डायग्राम को अच्छी तरह आप जहन नशीन कर लें तो आप जहाँ भी किसी पार्टी में जाते हैं तो आप इस फार्मूले को याद रखें। तो अब इसकी मैं समराइज अगर मैं करूँ तो अगर आप चाहते हैं कि सेहतमंद रहें और ज़िंदगी भी माशाल्लाह ज़्यादा हो बग़ैर किसी बीमारियों के तो आप खाना कम खाएं। तो ईटिंग लेस इंक्रीजेज लॉन्गेविटी। तो दिस वाज जस्ट ब्रीफ डिस्कशन अबाउट दी हाउ टू लिव लॉन्गर एंड हेल्दी लाइफ। तो अगर आपने मज़ीद ये मेरी पूरी डिटेल देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट labpedia.net पे जाके देखें और मैं आपके लिए दुआ करूंगा आप खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माय शॉर्ट लेक्चर अगेन वंस। आई विल से इफ़ यू वांट टू सी एनी डिटेल अबाउट दिस टॉपिक यू कैन गो टू आवर वेबसाइट labpedia.net।